ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो तीन पार्ट आ जाएंगे इसमें, एंगल का मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला भी पार्ट इसमें आएगा, ठीक है, और कुछ प्रूफ वगैरह क्वेश्चन करने के उसमें भी सब इसमें आ जाएगा। तो और इसके बाद ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे साइन 15, साइन 15 को बड़ा आसानी से पता किया जा सकता है। कैसे पता करोगे? साइन 45 माइनस 30, बस पता करने के बाद इसको यहाँ पर वैल्यू को आप इस फॉर्म में याद रखिए या फिर पॉइंट के फॉर्म में याद रखिए, दोनों काम आता है। इसी तरह से 10-15 भी पता कर सकते हैं। साइन 18 को कैसे पता करते हैं? 18 इज इक्वल टू थीटा लेके इसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 5 थीटा बनेगा, और फिर इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस का लगा दीजिए, और फिर वैल्यूज मिल जाती है। तो वो सब झंझट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, रूट 5 माइनस 1/4। इसी तरह से ये भी कैसे लिखा है, साइन 18 कॉस 72। तो अगर आप 18 को 90 में से माइनस करोगे तो 72 मिलेगा, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस 72 क्या मिलेगा, ये cos 72 मिलता है, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, साइन 18। तो साइन 18 को मैंने लिखा साइन 90 माइनस 72, और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। तो जो वैल्यू साइन 18 की होगी वही cos 72 की रहेगी, और ऐसे करके याद कर सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये है 45 का हाफ, कई बार जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। 22.5 मतलब 45 का हाफ है, तो 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके याद कर लीजिए। इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस में काम आएगी हमें। a प्लस सॉरी a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तभी अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट लिखा हुआ मिले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ध्यान रखेंगे प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, ठीक है, और माइनस में इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। और ये वैल्यू पता करने का बड़ा आसान तरीका होता है, ये जो a और b इनके कोएफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ठीक है, और इसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, ये अरेंजमेंट या तो साइन ऑफ ये एंगल है ना, तो अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस ये अल्फा क्या है, ए साइन ऑफ अल्फा, जैसे लिखना है मुझे वो आ जाएगा क्या, ए अपॉन साइन ऑफ कॉस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉस के लिए ये हो गया, साइन के लिए लिखोगे आप इसको बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, इतना ध्यान रखो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और एक अरेंजमेंट जो बनेगा उसको आप कॉस के साथ लिख देंगे, दूसरे को साइन के साथ लिखेंगे, तो इससे साइन ऑफ सम ऑफ एंगल या फिर माइनस और डिफरेंस ऑफ एंगल कुछ भी आ जाए, तो ये जो साइन आ रहा है इसकी वजह से इसकी वैल्यू इस तरह से होती है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में, साइन है ना, साइन की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, ठीक है। तो वहां से डिसाइड किया है कि ये होता है। अगर पूरा इसको समझना है कैसे होता है तो आप लोग बोल दीजिए, तो मैं फिर इसको पूरा करके दिखाऊंगी, तो डायरेक्ट याद कर सकते। इसमें भी कई सारी ट्रिक्स लग सकती है, देखते हैं थोड़ा करके क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 2013 का सेकंड पेपर जो था उसमें एक क्वेश्चन आया था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा और 1, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा हो आपको, तब इसमें क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं आप, थीटा की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, नॉर्मली आप इन वैल्यूज पे फोकस करेंगे,
इन तीनों वैल्यूज पे फोकस करें नॉर्मली, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई फॉर्मूला उसमें नहीं लग रहे हो और वैल्यू पूछनी हो थीटा पे डिपेंडेंसी आंसर की भी है और क्वेश्चन की भी है, तो थीटा की वैल्यू ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो करके देख लेते हैं क्वेश्चन, ये हो चुका है क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इसका आएगा बट वन आ जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन करके देख लेते ताकि कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या आएगा बताओ, 1 - 1/4, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 30 डिग्री कर दिया हमने सर यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, 1+30 डिग्री, 1/3, ठीक है। 1/√3 होता है ना सर, 10 की वैल्यू 10/30, ये कितना बनेगा, 3/4, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू रख के भी करना है आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन और, साइन स्क्वायर 20+ साइन स्क्वायर 70 क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा। यहाँ देखो 70+20 कितना है, 90 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर 90-20 और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 20, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। 2013 के सेकंड पेपर में पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि स्कैन, सर्च, सेलेक्ट और शूट इस टाइप से जो प्रोसीजर है, इसमें स्कैन और सर्च पर आपका पेपर करीब करीब 80% खत्म हो जाएगा। पेपर का स्टैंडर्ड ही ऐसा है। शर्त इतनी है कि क्या आपको स्कैन करना और सेलेक्ट करना, सर्च करना आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका डेटाबेस ज्यादा होना चाहिए। जो डेटाबेस आप रोज तैयार कर रहे हो, रोज आप जो फॉर्मूले लिख रहे हो उसमें आप अपने तरीके से फॉर्मूले लिखो। जैसे आपको कोनी सेक्शन में कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे जिसमें, अब जैसे पैराबोला आपने लिखना है तो पैराबोला का फोकस, इलिप्स का फोकस, हाइपरबोला का फोकस, तो आप क्या करो इस तरह आप पॉइंट्स बना लो, कर सकते हो आप लोग ट्राई इसको घर पे थोड़ा वर्कआउट करना। जैसे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स है ना, फिर उसके बाद एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट्स को लेफ्ट साइड बना लो, यहाँ सर्कल लिख लो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला लिख लो और उनका चार्ट बना लो। चार्ट रोज आप आके यहाँ पर बनाया करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वर्कआउट तो करना पड़ेगा, देखो वर्कआउट करोगे नहीं तो फिर स्पीड बढ़ेगी नहीं। टेबल आपको बोला गया है कि 90 तक का याद है तो 180 तक भी नहीं, 360 तक याद करो। आपको अगर याद है 1/√3 और इस तरह से, तो उसके पॉइंट्स वाले भी याद करो, कुछ तो नया करना पड़ेगा ना आपको। क्यों पॉइंट्स वाले याद करो, क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स वाली वैल्यू याद कर ली, जैसे इसको ही अगर आपने टेबल को थोड़ा सा इसको माइंड में बिठा लिया आपने, तो साइन 20 साइन 0 की तरफ जो है ना छोटी वैल्यू देता है, ठीक है। फिर ये 90 के नजदीक है तो बड़ी वैल्यू देगा, दोनों का स्क्वायर करके सम ऐसे तो आ रहा है, इसको सॉल्व करने से बना रहा। लेकिन अगर आप वैल्यू बेस्ड भी जाएंगे तो भी उससे आप देख सकते हैं कि 1 के नजदीक आंसर आएगा, ठीक है ना। और इसके आंसर्स में अगर हम जाएं तो इसके आंसर है 1, 0, -1 और 1/2, ठीक है। क्या क्या आंसर दिए इसमें, 1, 0, -1 और, अब आप देखो कॉमन सेंस लगाओ तो ये दोनों आंसर तो बनते नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको साइन की वैल्यूज पता है। तो साइन की पॉजिटिव एंगल पे वैल्यू तो पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव, दोनों का स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 8 भी कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों आंसर तो होना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि 70 है ये, 70 मतलब ये 1 की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये भी 1/2 से तो ज्यादा ही आएगा रिजल्ट, कॉमन सेंस ही लगने चाहिए। ये स्कैन मतलब कोई है कॉमन नहीं है ना वो, इसलिए वो सेंस के साथ समझना पड़ता है, कॉमन और सेंस एक साथ चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को देखने का तरीका हर बच्चे का जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम डिवोट करता है, केवल यहाँ क्वेश्चन को देख के अपने नजरिए का ही फर्क है आपका उस क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या है। एक स्टूडेंट देख के इसको टिक कर सकता है, एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि नहीं मैं करके देखूंगा। तो जिस जो स्टूडेंट जितना वर्कआउट घर पे कर रहा है वो उसका एटीट्यूड उतना बदल जाएगा उस क्वेश्चन को देखने का। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्वेश्चन कर करके हमें आदत हो जाती है कि हाँ इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, कई बार हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो गलतियां हो जाती है। ये भी ध्यान रखने का विषय है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब टेस्टिंग हो जाती है आपकी, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन है, जैसे cos x आपको दिया गया है 1/3, then find the value of sin x into cot x into cos x into tan x। अभी तो बेवकूफ जैसा क्वेश्चन पूछ लिया है, क्यों
क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, करना क्या था, कुछ भी नहीं करना, कुछ करना था कैसे? हाँ, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा आपसे, cot 54 divided by tan 36, tan 20 divided by cot 70, ठीक है, ये क्या बनेगा? ये देखो इन दोनों का सब 90 डिग्री हो रहा है, है ना, तो cot 90 minus 36 करो इसको और बन जाएगा tan 36, tan 36 से tan 30 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, 1 plus 2, ठीक है। कई बार एक गलती इसमें ये हो जाती है कि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो होती है ऐसी, तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो आ ही जाएगा, लेकिन जब आंसर देने जाओगे तो उसमें फर्स्ट नंबर पे जीरो लिखा होगा, तो देर नहीं करेंगे, आपने गलती करी नहीं कि उन्होंने आंसर दिया, ठीक है, क्योंकि जल्दी रहती है ना सबको, पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए फिर बाहर आना है, फिर बताना है बच्चों को, दोस्तों को अपने, अरे मैंने इतने कर दिए, है ना, इसलिए 10-15 की वैल्यू आपसे पूछी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को क्या दिया है, बातचीत नहीं कीजिए, फर्स्ट में आपको बताया है 10 π/6, सेकेंड आपको दिया है 10 3π/4, थर्ड आपको बताया है 10 5π/4 और फोर्थ आपको बताया हुआ है 2π/3। अब आपको इनमें से रिलेशन कौन सा सही है वो बताना है, रिलेशन ध्यान रखना जब तक आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्या क्या वैल्यूज है इसकी, ये कितना है 5/6 मतलब 1/√3, ये कितना है -1 में +1 -1 ये कितना आएगा प्लस का, ये कितना आएगा -π/√3 सेकेंड और फोर्थ निगेटिव है, ठीक है, तो वो देख लो कि कहां कहां सेकेंड को फोर्थ से आगे फोर्थ से छोटा जा रहा है, फोर्थ सेकेंड छोटा सा फोर्थ सी सी ऑफ डी एस डी एस डी ये रूट थ्री कितना होता है 1.7 1.7 मतलब क्या होगा, ये लेस देन 1 बनेगा ना, यस सर, ठीक है, आएगा इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा, यस सर, ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो देखो आप डायरेक्ट वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं, आपको एक्चुअली कहीं पार्ट आना चाहिए अपने नॉलेज का, चलिए इसके बाद भी फॉर्मूला पूछा डायरेक्ट तो उसको नहीं करते, हाँ ये क्वेश्चन है इसको देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको, cot x plus cos x minus 1 divided by cot x minus cos x plus 1, इसकी वैल्यू बताना है कि क्या होगी इसकी वैल्यू, ये 10th क्लास में डायरेक्ट प्रूफ करने में आता था एक क्वेश्चन, ये 2013 के फर्स्ट वाले पेपर में पूछा गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने गुड कर
वैल्यू पुट करना चाहते हैं, ठीक है कर दीजिए वैल्यू पुट। अब यहाँ देख लो कौन कौन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक कॉट एक कॉस है कि साइन ऑफ कॉस है, तो ऐसा कुछ भी वैल्यू मत रखो जिनसे इनमें से कोई भी नॉट डिफाइंड दे। साइन कॉस तो देंगे नॉट डिफाइंड, लेकिन कॉसेक देता है नॉट डिफाइंड कब, जीरो डिग्री पे, तो एक्स वैल्यू जीरो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी नॉट डिफाइंड देगा जीरो पे, जीरो तो छोड़ दो ठीक। और अगर 90 लिख दोगे तो भी गड़बड़ हो सकती है, तो नहीं होगी 45 लिखो आप, तो 45 लिख लो, 30 लिख लो, कुछ भी लिख सकते ठीक है। 45 लिखने में फायदा क्या होगा, ये 1 बन जाएगा ठीक है, तो क्या बनेगा इसको बताओ, 1 - 1/√2 -1/√2 अच्छा एक cos है तो ये √2 बन जाएगा ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, √2 ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 - √2 सब क्या बनेगा, √2 / √2 यहां से कॉमन, √2 - ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/√2 - 1 फर्स्ट ऑप्शन से। 45 यहां रख के देख लेते हैं, इसमें कितना बनेगा, ये 1/√2 / 1 - √2 - 1 / √2 - 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, फर्स्ट ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट करते हो कुछ भी, लेकिन इससे छोटा नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है, इससे छोटा कोई मेथड नहीं है, हाँ मतलब बुरा मानने की बात नहीं है, एकदम से क्या होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते नाराजगी आ जाती है कि अब इतना अच्छा शॉर्टकट बता दिया फिर भी तुम और लॉन्ग कट पे जाना चाहते हो, फिर कुछ नहीं कर सकते, ये कर लो ना कोई वैल्यू रख लो उसमें से आ जाए तो मुझे आसान, ये क्वेश्चन वैसे काफी बड़ा है, प्रूफ करते हैं इसको तो काफी बड़ा टाइम लगता है, काफी सारा लिखना होता है, समझ आया कैसे करा, समझ आया क्या किया इसमें हमने, बातचीत नहीं कीजिए, अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा एक छोटी सी पॉइंट है मैं बीच में बोल दूं, आपको याद आ गया, तो जो भी बच्चा क्वेश्चन जब मैं दूं और वो क्वेश्चन नहीं करेगा तो मैं उस क्लास के बाहर कर दूंगा, फिर से बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आता ना, एक बार बता दूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन भी लिखना है और उसके अंदर कुछ भी करना है, चाहे वही क्वेश्चन दोबारा लिख ले वो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो कर रहा है, समझ आ रहा है, वो क्वेश्चन में कुछ सॉल्व कर रहा है ऐसा मुझे दिखना चाहिए हर एक स्टूडेंट, अगर पलट के देख लिया किसी को और वो नहीं लिखता हुआ दिखा तो बाहर से, और बाहर बताया आपको यहाँ क्या है कि ढलान पे एक ऑफिस है स्लोप में, तो जैसे उसको अपन बाहर करेंगे उड़कते उड़कते नीचे चला जाएगा, समझ आ रहा है, जैसे गोल गेंद होती है ढलान में नीचे चली जाती है, तो सीधे वहीं जाके वहीं रुकना है फिर, और वहीं जाके तारीफ करने के अलावा मैं कुछ करता नहीं, ये स्टूडेंट को सब आता है ये लिखता ही नहीं, यूं ही आंसर बता देता, आप पूछो ये लो पेपर में दे देता हूँ, वो पूछेंगे जवाब दोगे बाकी बातें आपको पता है क्या होगी ठीक है, किसी हाउस की सफाई करने का बोल सकते हैं आप, क्या जी पूरा हाउस आपको साफ करना, तो उससे अच्छा है कि अपन कुछ भी लिखते रहो ना, अपना ही नाम लिखो, सर ने क्या बोला पेन चलता हुआ दिखना चाहिए, है ना, लिखते रहो कुछ तो भी लिखते रहो ठीक है, समझ आ गया सबको क्लियर है, और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो तो मैं फिर समझा दू दूसरी बार, अब ये जो भी मैं लिखूंगा सब लिखना, समझ आया, तुम सबसे आगे बैठे हो और सबसे कम लिखते हो वो अलग बात है, इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, इधर ही प्रिंट कर लेता है वो, प्रिंट फिर क्या है जब वो प्रिंटर में लगाता है ऐसी लैंग्वेज मिलती तो समझ नहीं पाता, चलिए मैं देखूंगा ध्यान रखना, नहीं नहीं होता होगा नहीं होता होगा, इसको तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, सब कुछ नहीं है, आप ये कह रहे हो कि दो साइन आ गए तो आप इसको एक ले लो एक दूसरा इसको ले लो, तो लगा सकते हो ठीक है ना, लगा सकते, हाँ ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस लगाऊंगा कि माइनस लगाऊंगा तो वो फिर एक साथ लेके करना पड़ेगा, ग्रुप में चलना पड़ेगा, तो उसका झंझट करने से ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए, साइन टू द पावर 4 लिखना है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 ठीक है into cosec square theta, इसका एक क्वेश्चन मार्क है और इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे -2 0 1 और 2, ये 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट पर, इसकी वैल्यू बताइए आप लोग, देखिए करके देखिए क्या आएगा, do
क्या रखा वैल्यू पाई बाय टू पाई बाय टू ये नॉट डिफाइंड नहीं बनाएगा रख सकते पाई बाय टू तो क्या हो जाएगा ये वन माइनस जीरो प्लस वन इंटू वन ठीक है टू आंसर आ जाएगा कितने लोगों का आया टू आंसर ठीक है पाई बाय टू रख के कर सकते हैं 45 रख के भी कर सकते हो जैसा आपकी मर्जी है चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के देखिए अब क्वेश्चन लिखिए 10 a इज इक्वल टू बातचीत नहीं कीजिए देखिए बोर्ड पे 10 a इक्वल टू x प्लस 1 दूसरा क्वेश्चन है 10 b इज इक्वल टू x माइनस 1 ऐसा आपको इफ के साथ दिया गया है ठीक है इफ का मतलब आपको समझते हैं अच्छे से ठीक है देन आपको बताना है x स्क्वायर इनटू 10 ऑफ a माइनस b की वैल्यू क्या आएगी 1 x 0 या फिर 2 ये भी 2013 का क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में करके देखिए इसको कैसे करेंगे दोबारा क्या रखा है एक्स कुछ नहीं रखा डायरेक्ट कर दिया सर बन गया डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर सर उसको देख लेते हैं 10 ऑफ a माइनस b क्या होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a डिवाइड ना तो उससे हम कर सकते हैं x स्क्वायर इनटू 10 a माइनस 10 b होते हैं दोनों को माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्रोडक्ट करना है मतलब क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों कैंसिल होंगे x स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आता है नीचे a की 10 a माइनस b का फार्मूला है ना प्लस आएगा तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये दोनों कैंसिल x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा आंसर ठीक है आसान क्वेश्चन था और अगर आसान नहीं हो तो x की वैल्यू रख देंगे आप क्यों क्योंकि ये इफ कंडीशन पे है मान लीजिए यहां कुछ कॉम्प्लिकेशन दे दे तब आप क्या करोगे x की वैल्यू आप यहां पर कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 कुछ भी रख दो और उसके हिसाब से 10 a 10 b डिसाइड कर लो और फिर आगे जो पूछा उसमें x की वैल्यू भी रखो क्वेश्चन है आंसर है आंसर भी x पर डिपेंड करता है तो उसमें भी x रख के चेक करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू c देन व्हाट इज cos थीटा तब आपको बताना है कि cos थीटा क्या होगा c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 और नन ऑफ दिस ये ऑप्शंस आपके सामने हैं cos थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे जब आपको ये दिया है तब बताना कि cos थीटा क्या होगा इफ कंडीशन के साथ ही है ना तो इसको आप यूज कर सकते हैं थीटा कुछ वैल्यू यूज कर लो थीटा जीरो 45 रखे और से 45 रूट 2 होता है ठीक है cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 पे रूट 2 1 बाय रूट 2 ना अब इनमें से ही देखो कि 1 बाय रूट 2 कौन देने वाला है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे रूट 2 प्लस 1 ठीक है फिर क्या होगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 तो बनेगा रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड माइनस 1 ये दोनों कैंसिल होंगे ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन 2 प्लस सॉरी 1 प्लस प्लस रूट 2 ये दोनों कैंसिल हो गए 1 बाय 2 आता है 1 बाय 2 नहीं चाहिए हमें 1 बाय रूट 2 चाहिए ठीक है मतलब इससे नीचे का रिजल्ट प्लस में भी नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे जो है ये क्या बन जाएगा प्लस 1 ये 3 हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा तो उससे भी दिखता नहीं मिल जाता ठीक है इससे देख लीजिए इससे बन सकता है देख लेते हैं c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 तो क्या होगा
रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, क्या होगा ये टू प्लस वन प्लस टू रूट टू माइनस वन डिवाइड बाय टू प्लस वन प्लस टू रूट टू प्लस वन, ये दोनों कैंसिल होंगे, टू कॉमन आ जाएगा इसमें, क्या बनेगा वन प्लस रूट टू डिवाइड बाय, ये कितना होगा फोर प्लस टू रूट टू, फोर प्लस टू रूट टू में से टू प्लस ऐसे आ जाएगी, अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो वन प्लस रूट टू, टू का स्क्वायर फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, यहाँ क्या आ जाएगा टू माइनस रूट टू डिवाइड में टू आ जाएगा, तो वैल्यू रख के ट्रायल करना आना चाहिए, टाइम कितना सिर्फ जनरल।